ओडिशा के रायरंगपुर जिले से देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने ब्रह्मा कुमारी के एडिक्शन फ्री ओडिशा का आगाज किया। इस दौरान ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, कटक सबजोन प्रभारी बीके कमलेश, मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके बनारसी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज लोक निशा आड़ धसई बस निशाशक्त लोक मैंने निशा सेवन छाड़ किपरी प्रयास करिबे एवं पूरा पूरी भाव रे ए ओडिशा निशा मुक्त हेबो। डेमोक्रेसी हैज गिवन मी इकोनॉमिक मैन, उसने मुझे अर्थ मानव बना दिया है, इसीलिए ड्रग चलता है। दिस कैन ओनली बी इराडिकेटेड अप्रूटेड ओनली थ्रू कंपैशनिज्म। व्यसन छुड़ाने के लिए हम डोर टू डोर जाकर के, हर घर घर में जाकर के, ऐसे भी बहने हमारी आदिवासी एरिया में जंगलों में जाकर के लोगों को व्यसन छुड़वाई है और अभी हम तीव्रता से और जोर शोर से हम व्यसन छुड़वाएंगे। उसके लिए हम साइकिल रैली निकालेंगे, मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे, पैदल रैली जाएंगे, कारों में जाएंगे और हम सबका व्यसनों से मुक्त कराएंगे। गोवा की कोलवाड़ जेल में कैदियों को राजयोग द्वारा तनाव मुक्त रहने का प्रशिक्षण ब्रह्मा कुमारी की ओर से पिछले एक साल से दिया जा रहा है। इसी के चलते गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा की प्रभारी बीके शोभा समेत कई बीके सदस्यों को सम्मानित किया। गोवा सरकार की ओर से आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने ब्रह्मा कुमारी के अलावा अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम के दिन ही मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस भी था, जिसे आईजीपी और कोलवाड़ जेल के एडिशनल जेलर समेत कई लोगों की उपस्थिति में मनाया गया। दिल्ली रोहिणी के रामलीला मैदान में नशा मुक्त भारत अभियान का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारीज और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में किया गया। दरअसल रोहिणी सेक्टर 21 के बीजेपी विधायक प्रत्याशी रविन्द्र इंद्राज सिंह की ओर से रामलीला मैदान में एक मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया था। इस हेल्थ कैंप में ब्रह्मा कुमारी द्वारा चलाए जाने वाले नशा मुक्त भारत अभियान का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी मोर्चा लाल सिंह आर्य, दिल्ली सह प्रभारी और बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, रोहिणी सेक्टर 21 की प्रभारी बीके रजनी और बीके नरेंद्र भाई समेत 10 पार्षदों की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर बीके नरेंद्र भाई ने सभी से नशा मुक्त होने की प्रतिज्ञा कराई, तो वही ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाई गई नशा मुक्त प्रदर्शनी का हजारों लोगों ने अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ भिलाई में पीएम नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड में भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके आशा को भी आमंत्रित किया गया था। यह कार्यक्रम सैल्यूट तिरंगा संगठन, जन कल्याण समिति, जन कल्याणकारी योजना प्रचार समिति, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के तत्वाधान में सिविक सेंटर ICA भवन में आयोजित किया गया था। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के भिलाई आगमन पर बीके आशा ने उनसे मुलाकात की और ईश्वरी सौगात भेंट की। बातचीत के दौरान बीके आशा दीदी ने उनसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र समेत मुख्यालय आने का निमंत्रण भी दिया। अब कुछ खबरें मजदूर दिवस की। गोवा पणजी में मजदूर दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम तालेगांव सेवा केंद्र पर हुआ, जिसमें सफाई कर्मचारियों के सचिव सुरेश पासवान, रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिनेश भोसले, रिटायर्ड बैंक मैनेजर बीके पाल समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा की ओर से किया गया था। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी की ओर से मजदूरों का सम्मान भी किया गया। MP के दिव्य संस्कार भवन नरसिंहपुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिक बंधुओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी नरसिंहपुर सेवा केंद्र संचालिका बीके कुसुम ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक बंधुओं को तिलक लगाकर और प्रसाद देकर सम्मानित किया। अगर विश्व का निर्माण करना हो तो
तो आप सबके हाथ, दिल और आपके कदम के बिगर इस संसार का उत्थान संभव नहीं है। इसने किन शब्दों में आपके इस महानता का, आपके श्रेष्ठतम जीवन का और आपकी उस हुनर का, आपकी उन कलाओं का और आपके उस स्वस्थ कर्मठ व्यक्तित्व का अगर वर्णन किया जाए तो किसी इतिहास में, किसी काव्य में और किसी लेखनी में नहीं लिखी जा सकती है। कार्यक्रम में कारपेंटर अनिल विश्वकर्मा, मिस्त्री गुड्डा, लाइनमैन देवेंद्र शिंदे और मथुरा पांडे समेत कई मजदूर मौजूद रहे। कार्यक्रम में श्रमिक बंधुओं के सम्मान में नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में बीके किरण ने सभी को राज्यों की अनुभूति कराई। इसी तरह ब्रह्मा कुमारी नरसिंहपुर डोभी में भी श्रमिकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर बीके प्रीति दीदी ने सभी को श्रमिक दिवस की बधाई दी और कहा कि आप सभी परमात्मा की अनमोल कृति हैं। आप अपने को दीनहीन ना समझें। ब्रह्मा कुमारी टोक राज्य भवन में भारत का नव निर्माण करने वाले श्रमिकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद टोक के उपसभापति बजरंगलाल वर्मा ने कहा कि ईश्वर एक है और हम सब मनुष्य उनके बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था इसी भावना के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम में श्रम विभाग टोंक के निरीक्षक रेणु परिडवाल ने ई श्रमिक कार्ड की जानकारी देते हुए विभिन्न सरकार की योजनाओं से सभी को अवगत भी कराया। दीदी ने संस्था की ओर से श्रमिकों को दुपट्टा एवं परमात्मा प्रसाद देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की शिक्षिका दीपिका वर्मा, वाल्मीकि महापंचायत संयोजक राजेश पारोचिया, ओम प्रकाश समेत शहर के अनेक श्रमिक मौजूद थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।